जय हिंद दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ टीचर आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। आप ना अपनी क्वालिटीज को टिक 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 करते रहे ना, आपके अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटीज हैं। तो सबसे अच्छी बात एक टीचर के अंदर होती है जो है वो बहुत ही जॉयफुल होना चाहिए। टीचर जो है हमारा वो बहुत पंचुअल होना चाहिए। टीचर का नेचर जो है वो बहुत हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। टीचर को अपने सब्जेक्ट की बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड होनी चाहिए। अगर बच्चों के डाउट्स आते हैं तो उन डाउट को कोशिश करनी है एक शिक्षक को कि उसी वक्त सॉल्व करें, क्योंकि आप नहीं डाउट उसके सॉल्व करते तो उसके दिमाग में और नए डाउट आने क्रिएट हो सकते हैं और कई बार आपकी छवि जो है वो ऐसे बन जाती है कि इस मास्टर को कुछ नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर है कि आप उसके डाउट को सॉल्व करें, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करें। अगर इनकेस प्रोबेबिलिटी है कि आपको उसमें कोई डाउट है, उसके डाउट में आपको डाउट है, तो ऐसी सिचुएशन में आप विद द हेल्प ऑफ क्लास उसे स्मार्टली डील करना चाहिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया ये बच्चा, बहुत बेहतरीन, देखो इसके लिए क्लैप करिए। ऐसे बच्चों की तो जरूरत है मेरे क्लास में। ये बच्चे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, बाकी तुम क्या कर रहे हो? चलिए अब ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तुम में से देखता हूं उनमें से कितनों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। वेरी गुड बेटा, भाई बालक चौड़ा हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछे, देगा मतलब मेरी तो तारीफ हो रही है, सर ने मुझे डाटा नहीं क्वेश्चन पूछने के ऊपर। तो बेसिकली आपका स्टूडेंट का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि क्वेश्चन पूछने पर आप डांटते नहीं हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग पर आप बच्चे को हड़काते नहीं हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि आप रिजिड रहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपनी क्लास में डेकोरम के लिए, और उस रिजिडनेस के लिए आपकी पिच ऑफ वॉल्यूम ही तेज होनी आवश्यक है। ऐसा नहीं है आप किसी भी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट देंगे, अननेसेसरी किसी भी बात पर लाउड वॉइस में बच्चे को डांटेंगे, स्ट्रिक्टली बैन है। और एक्चुअल में भी ये स्ट्रेटजीज क्लास में अप्लाई ना करें तो बेहतर है। कभी कंफर्ट जोन में रहकर बच्चों के लेवल पे आकर बच्चों को समझाने का प्रयास करिए, आपकी क्लास का जो वातावरण है वो आपके अनुकूल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूं अगर इन स्ट्रेटजीज के ऊपर एज ए टीचर आप काम करते हैं ना, और अपने बच्चे को ओरिएंटेशन में रखकर आप अपने सारे लेसन प्लान, सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं, तो आप एक बेहतरीन शिक्षक जो है अपने बच्चों के मन में बनकर उभरेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।